वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको सूजी की यानी कि रवा इडली बनाना बताऊंगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में। जब भी हमारी इच्छा हो या जब भी कोई घर में मेहमान आए तो हम इसे बना सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूजी की इडली बनाने के लिए हमें चाहिए 4 कप सूजी, 2 कप लिया मैंने दही, दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, और हमें चाहिए नमक 2 टीस्पून, आप स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। तेल मैंने यहाँ पर लिया है 2 टीस्पून, और हमें चाहिए 1 नींबू का रस। सबसे पहले हम सूजी में दही को ऐड करेंगे, सारा दही हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेमन जूस। सभी को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हम ऐड करेंगे इसमें पानी, सभी को अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है। हमें इस तरह का बैटर तैयार करना आप देख सकते हैं। इसमें मैंने लगभग 4 कप पानी ऐड किया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम सेट होने के लिए 5 से 10 मिनट तक के लिए रख देते हैं। बैटर सेट होता है जब तक हम सांचे को ग्रीस कर लेंगे। ये मैंने इडली मेकर लिया है, इसको हम तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, इस तरह चारों तरफ से। आप देख सकते हैं बैटर भी जो हमारा सेट हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है। बिल्कुल इसमें पानी जो है अलग से नहीं रहना चाहिए, इस तरह हमें इसको हिला हिला के सेट करना है। आप चाहे तो इसको हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं 2 टीस्पून तेल ऐड करूंगी और एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब यहाँ पर मैंने ये इनो का पाउच लिया है, ये इसमें हम ऐड करेंगे। इनो ऐड करने से पहले थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देते हैं, इसके ऊपर हम इसमें इनो ऐड करेंगे ताकि इनो जो आसानी से इसमें एक्टिवेट हो जाए। तो मैं इसमें इनो डालूंगी और इसको अब हमें एक ही डायरेक्शन में हिलाना है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, नहीं तो जो बबल्स आए हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। इस तरह हमें इसको लगातार चलाते रहना है 2 से 3 मिनट तक। जिस मोल्ड को हमने ग्रीस किया था उसमें अब हम ये ऐड करेंगे। इस तरह हमें इसको फील करना है 1-1 चम्मच, ये प्रोसेस हमें जल्दी ही करना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको फील कर दिया है, जो बैटर बचा उसको पहले हम ढक लेते हैं और इस बैटर को जो है अब हम गैस पे मेकर में रखेंगे। ये मैंने इडली मेकर लिया है, इसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है, पानी अच्छे से गर्म हो गया है, तो जो हमने फील किया था वो इस पे अब हम रखेंगे अंदर, इस तरह हमने तीनों को रख दिया है। गैस की फ्लेम को हमें फुली रखना है, अब हम ढक देते हैं। 10 मिनट हमें फुल फ्लेम पे पकाना है और 10 मिनट हमें मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, कुल 20 मिनट तक हमें इसको पकाना है और 20 मिनट बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इडली बनकर हमारी तैयार हुई है, जो बैटर हमने फील किया था उसे डबल हो गई है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि इडली हमारी पकी या नहीं पकी है। तो नाइफ की मदद से हम इसमें डालेंगे और आप देखिए नाइफ बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब जो है इडली हमारी पक गई है। अब हम इडली को ठंडा होने देंगे और फिर निकालेंगे। इडली ठंडी हो गई है, चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये बड़ी आसानी से निकल जाती है इस तरह, ये देखिए ये बड़ी आसानी से निकल जाती है। कितनी अच्छी इडली हमारी बनकर तैयार हुई है आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी जाली इसकी बनी है। इस तरह हम इडली को निकाल लेते हैं। इडली को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं एक राउंड में हमारी 12 इडली बनकर तैयार हुई है और जो बैटर हमारा बचा हुआ है उससे हम एक बार और इडली बना लेंगे। बहुत ही नरम इडली बनकर हमारी तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। इडली को आप कोकोनट चटनी और सांभर के साथ सर्व करें। खाने में इडली बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में भी कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। जब भी इच्छा हो या जब भी घर पे कोई मेहमान आए तो हम झटपट इडली बना सकते हैं। आपको मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।